सो हेलो एंड वेलकम गायज़ वेलकम टू द फर्स्ट गेम प्ले ऑफ सुपर मार्केट सेम्यूलेटर ऑन आर चैनल हमारे चैनल पर ये हमारा पहला गेम प्ले है सुपर मार्केट सेम्यूलेटर का तो भाई इस रेजिडेंशियल एरिया में ना मैंने ये शॉप ख़रीदी है इस शॉप का नाम मैंने कुछ सोचा नहीं है शॉप का नाम मैं वही रख दूंगा जो आप लोग कमेंट करके बता दोगे फ़िलहाल भाई ये शॉप है जिसके अंदर दो रैक मैंने लगवाए हैं जिसको हम लोग मूव कर सकते हैं किसी भी एरिया में एक ही बीच में बिलिंग काउंटर है जहाँ पर सभी सारे बिलिंग कंप्लीट होंगे और ये मेरा एक छोटा सा बैक ऑफिस है जो कि फ्रंट ऑफिस के साथ साथ ही मैंने बनाया हुआ है इसके अंदर हम लोग आ, लाइसेंस बाय कर सकते हैं बिल्स पे कर सकते हैं ग्रोथ के अंदर जाके देख सकते हैं मेरी ग्रोथ कैसी चल रही है एंड और भी बहुत कुछ यहीं से ना हमें अपना सारा सामान ऑर्डर करना होता है जैसे कि हम लोग मार्केट में जाएंगे मैनेजमेंट की जगह पर ये पूरा एरिया है जैसे कि बिलिंग काउंटर का एरिया है भाई यहाँ पर बिलिंग होगी यहाँ पर पैक होगा और यहाँ पर पैक होने के साथ साथ भाई यहीं से कैश वगैरह पूरा कलेक्ट करके देना पड़ेगा ये दोनों रैक है जिसके अंदर हमारा सारा सामान लोड होगा सामान लोड तब होगा जब हमारे पास सामान होगा तो भाई सामान ऑर्डर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मार्केट में और मार्केट में हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वही छः ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास एग का ऑप्शन है आटा है ऑइल है पास्ता है ब्रेड है और जो हमारा मेकरोनी वगैरह होता है वो है तो हम इनको ऑर्डर कर सकते हैं जितना हम चाहें लेकिन हमारे पास स्टार्टिंग में थे सिर्फ सौ डॉलर जिसमें कि मैंने ये सारे आइटम सेलेक्ट किए हैं और भाई इनको परचेज़ में जैसे ही करूँगा परचेज़ पर मैंने क्लिक किया और भाई ये आइटम इंस्टेंट डिलीवर होते हैं आपकी शॉप के बाहर जिसको आपको खुद ला कर खुद लगाना है और भाई आपको पूरी वही फील आने वाली है कि आपका आपके पास कोई लेबर नहीं और आपने नई नई शॉप स्टार्ट की है भाई बहुत ही बढ़िया फीलिंग है भाई नई नई अगर शॉप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तब भी ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं कि भाई आपको ऑर्डर करना है आपके बस कार्टन आएंगे खोलना है लगाना है और उसके बाद चीज़ें स्टार्ट होंगी भाई एक एक करके मैं सारे कार्टन अंदर लेकर आ रहा हूँ और भाई अंदर ले जाकर मैं रैक के बगल में रख देता हूँ क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा दूर रखने का फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट होगा भाई चार कार्टन मेरे पास आ चुके हैं आई थिंक इसमें दो ब्रेड के हैं नहीं एक ब्रेड है एक आटा मैंने ऑर्डर किया है एक पास्ता और एक एग एग का कार्टन सबसे छोटा है हैग लगा देते हैं हम लोग इस वाले रैक में डिस्प्ले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो क्योंकि एक एक आइटम आपको बिल्कुल सेट नहीं करना होता है उसके बाद हम कार्टन को डाल देंगे डस्टबिन में डस्टबिन के अंदर डाल रहे हैं आई थिंक बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि फिर ये पड़ोसी हैं ये कंप्लेट कर देते हैं कि भाई बाहर गंदगी फैला रहा है तो भाई दुकान को रखेंगे बहुत साफ़ सुथरा और सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखेंगे इसको मैंने ओपन किया लगा दिया भाई कार्टन बाद में फेंक के वो साइड में रख देता हूँ अभी कार्टन नंबर थ्री इसके अंदर है आटा आटे के एक एक किलो के पैकेट हैं भाई ये मैंने लगा दिए कार्टन फेंको अच्छा वहाँ पर जगह नहीं थी वहाँ पर नहीं फेंक सकते ये ब्रेड आ गई ब्रेड का ऊपर से भाई क्लियर ऐसे लग रहा है जैसे खुली खुली रखी हुई लेकिन पैकेट है यहाँ पर खाली था तो मैंने सोचा यहाँ पर भी एक दो तो पैकेट रख दूँ ताकि लोगों को लगे भाई सामान रखा है पूरा खाली ना लगे तो भाई पीछे की तरफ ना फेंकते हुए मैंने गेट की तरफ़ फेंक दिया कार्टन इसको भी उठा के यहीं से फेंक दूंगा अरे हुए ये काफ़ी दूर तक गया बिल्कुल सही भाई तीनों काटन मैंने फेंक दिया और पैरों से ढकेलते हुए उनको ले बाहर और भाई अब डाल देना मेरे को डस्टबिन में तो भाई फ़िलहाल है ना मेरी जो शॉप है वो ऑलमोस्ट सेट हो गई है क्योंकि मैंने सामान मंगा के डाल दिया है बिलिंग आउटो मेरा रेडी है और भाई सब कुछ ठीक है फिलहाल लेकिन आई थिंक मुझे अब स्टार्ट कर देना चाहिए लेकिन भाई उससे पहले सबसे मेन चीज़ जो है वो रह गई है प्राइस सेट करना तो इसमें ना हमारे पास दो तीन प्राइस दिखा था एक एवरेज कॉस्ट जिस पर हमने बाय किया है दूसरा वो प्राइस जिस जिसपे हमें सेल करना है और नीचे लिखा होता है मार्केट प्राइस के मार्केट का प्राइस चल क्या रहा है हम मार्केट प्राइस से थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि नई नई शॉप है हमारी और भाई इस नई नई शॉप में भी अगर मैं प्रॉफिट कमाने का ज़्यादा सोचूंगा मार्केट प्राइस से महंगा बेचूँगा तो कोई आएगा नहीं मेरे पास खरीदने के लिए लोग परेशान होके जाएंगे भाई ख़रीदेगा नहीं कोई यहाँ से तो मेरे को अभी ना हैप्पी कस्टमर्स बढ़ाने हैं स्टार्टिंग में ये एक बहुत महंगी एडवाइस मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट नहीं आपको क्लाइंट बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए और भाई अगर मेरी बात पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो कर देना लाइक क्योंकि इस इस गेम गेम के ना मैं बहुत सारे पार्ट लेकर आने वाला हूँ क्योंकि भाई मेरे को खेल के ना बहुत मज़ा आ रहा है एक बिल्कुल ऐसी रियल वाली फीलिंग आ रही है कि भाई मैं खुद ही अपनी शॉप चला रहा हूँ भाई ये अंकल जी बहुत क्विक परचेज़र है ऐसे ग्रॉसरी में क्विक परचेज़र ही होता है आंटी ने बोल के भेजा भाई दो आटे के पैकेट लाने तो ही लेंगे इन सफिशेंट फंडस भाई मेरे को इसको चेंज दे रहे हैं क्या पंद्रह डॉलर का इसका बिल है तो भाई अंकल क्यों वेट करो जाओ ना यार हो गया अच्छा नहीं भाई इन पंद्रह डॉलर का बिल था इन्होंने बीस डॉलर दिए तो मेरे को इनको पाँच डॉलर देने मैंने दस का नोट निकाल दिया भाई पाँच डॉलर एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो उसको वापस कैसे लेना है पाँच डॉलर देना था ठीक है मैंने पाँच डॉलर भाई मैंने पंद्रह डॉलर चीज़ दे दिया यार दस डॉलर को वापस किस तेने दें आई थिंक दस डॉलर के पास वापस जाके राइट क्लिक करूँगा तो शायद हो हाँ जाएगा भाई दस डॉलर वापस दो यार हाँ हाँ दस डॉलर पर मैंने राइट क्लिक किया दस डॉलर पर मेरे वापस पाँच डॉलर दे के मैंने उनको भेज दिया है ये बंगाल और आंटी आ गई हैं काला जादू करने वाली और ये छोड़ो कोई बात नहीं और ये अंकल फिर से आ गए इनका कुछ सामान छूट गया था फिर से ये भाई फिर से चेंज फिर लफड़ा कर रहा है तो खुले पैसे दिया करो यार ऐसे नहीं चलेगा और भाई यहाँ पर तो बबीता जी भी आई हुई है शॉपिंग करने के लिए इसको पूरे चिल्लर विल्लर सारा चेंज देखे मैंने पूरा रवाना कर दिया है और इन्होंने लिए है पास्ता भाभी जी आज तो पास्ता बनेगा तो इनको मैंने लाइक बैलेंस दिया इनका पास्ता का पैकेट इन्होंने भी एक लिया इनको भी बैलेंस दिया भाई ओवरऑल जो गेम का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही स्मूथ है एक, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है लेकिन इसका जो साइज़ है ना वो वो भी काफ़ी बड़ा है तो अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड कर रहे हो तो अप्रोक्स आपको छः सात जी बी खेल में पड़ जाएगा और आपको खुला स्पेस रखना पड़ेगा अप्रॉक्स बीस जी बी का तो वो चीज़ आप ध्यान में रख के डाउनलोड करना क्योंकि ये जितना स्मूथ अभी दिख रहा है उतना ही शायद लैग भी कर सकता है अगर इसको पूरा स्पेस नहीं मिला तो तो भाई अभी मेरे रैक्स में कुछ सामान बाकी है मेरे पास सिक्सटी सिक्स डॉलर वापस आ गए और भाई सामान काफ़ी बाकी है अभी अरे भाभी जी आज तो अंडा पराठा चलेगा नहीं ठीक है इनको बैलेंस दिया इनको वापस भेज दिया शॉप मेरी अभी ओपन है इसको मैं जैसे ही क्लोज़ करूँगा क्लाइंट्स का आना बंद हो जाएगा बंगाल आंटी फिर से आ गई हैं शॉपिंग करने के लिए तो भाई मैं सोच रहा हूँ जब तक वो शॉपिंग करेंगे तब तो तक तो मैं कुछ चीज़ें कुछ आइटम ऑर्डर कर लेता हूँ बिकॉज ये जैसे ही आ जाएगा ना मैं इसको तुरंत लगा भी दूंगा भाई दो आइटम मैंने लिए हैं जो कि मेरे पास पहले नहीं थे एग्स में एग्स ख़त्म होने वाले थे और जो मॉर्निंग uh, ब्रेकफास्ट का पैकेट था वो मेरे पास नहीं था वो मैंने ऑर्डर किया है तो भाई yeah. आंटी को दिया मैंने सारा सामान ये आंटी भाई बहुत सारी ब्रेड हाँ भाभी जी आज तो पकौड़े बनेंगे तो भाई सारा सामान लेने के बाद इनको मैंने कर दिया है रवाना और ये बबीता जी फिर आ गई हैं शॉपिंग करने के लिए इन्होंने फिर से ब्रेड उठाई है बेसन भी उठा लीजिए पकौड़े तो पकौड़े तो वैसे ही बनेंगे ना तीन पैकेट ब्रेड कौन खाता है भाई चलो जो भी खाता है मेरी तो सेल हो रही है ना सत्ताईस डॉलर के करीब मेरे पास अभी इकट्ठा हो गया है सामान मेरा डिलीवर बाहर हो गया होगा पर उसको उठाने जाने का टाइम कहाँ है भाई इन्होंने लिया है आटे का पैकेट दो किलो का भाई सौ डॉलर ये तू बावला हो गया क्या साढ़े सात साड़ डॉलर के लिए सौ डॉलर कौन देता है यार ऐसे तो मैं चेंज दे देखिए पागल हो जाऊँगा यार और अगर किसी को गलती से पैसे ज़्यादा दे, दे दे तो वैसे तो ऐसी गलतियाँ मेरे से होती नहीं है प्रो हूँ इन चीज़ों में पैसों का हिसाब किताब बहुत अच्छे से कर लेता हूँ पर देन गलती हो सकती है किसी से भी सवा चार बजे का टाइम हो रहा है ऊपर आप टाइम देख सकते हो राइट साइड कॉर्नर में और मैं आपको बता दूं कि आज सात बजे से पूरा दे होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे और अभी तक मेरे स्टोर में इलेक्ट्रिसिटी लगी नहीं है तो उसकी वजह से शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो कुछ इनको ग्राफ वगैरह कुछ ब्राउज़ करने में वे मैंने इनसे पैसे ले लिए बैलेंस इनको देना है एक डॉलर सिक्सटी टू डॉलर मेरे पास हो गए हैं और काफ़ी सारा सामान मैंने ऑर्डर किया हुआ है स्टोर में, में मेरे पास सिर्फ एग्स बच गए हैं जो कि जो भी आ रहा है वो एग्स ही ख़रीद रहे हैं फिलहाल मुझे लगता है मुझे आकर स्टोर क्लोज़ कर देना चाहिए इनकी शॉपिंग करने तक हाँ जी स्टोर कर दिया मैंने क्लोज़ यही शॉपिंग कर पाएंगे जितना भी इनके पास है दो अंडे की ट्रे ले लिए कुछ और नहीं मिला तो चलिए इनको रवाना करेगा वो जो बाहर से हम कल आए थे वो बाहर से चले गए बिकॉज शॉपिंग नहीं कर दी थी क्लोज़ भाई हम थोड़ा सा और ऑर्डर कर लेते हैं जो बाहर सामान पड़ा हुआ था उसके साथ और उठा लेंगे सिक्सटी नाइन डॉलर अभी हमारे पास है बाहर सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ है थोड़ा सा और ऑर्डर करेंगे इसके साथ पूरा का पूरा सामान रात को लगा कर जाएंगे सो दैट कल प्रॉब्लम ना आए भाई सामान मैंने कर लिया है परचेज़ नहीं आई थिंक एक कम करना है इसमें से परचेज़ कर लिया है बाहर डिलीवर हो गया है सात बजे का टाइम है भाई अभी स्टोर ओपन है हमारा तो इसको स्टोर बंद करने से पहले पूरा सामान लगा देते हैं तो भाई बाहर में आ गया हूँ बाहर कुछ कार्टन डिलीवर हो चुके हैं इसमें कार्टन बड़ी गंदी तरह से डिलीवर हुआ दूर दूर पड़े हुए थे भाई मैंने नया है ना बहुत क्विक तरीक़ा ढूंढ लिया है बाहर से कार्टन उठा कर लाओ सीधा ओपन करूँ ज़मीन पर रखने से पहले ट्रैक में लगाऊँ और वापस सीधा डस्टबिन में कार्टन कहीं रखने की फेंकने की झंझट है ही नहीं भाई दो पेड के पैकेट बचे हुए हैं क्या कर रहा है यार ऐसे तो लॉस हो जाएगा मैं डस्टबिन फेंकने जा रहा था इसको अभी तो भाई ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी अगर कार्टन के अंदर कुछ भी बचा हुआ है ना तो आपको उसको फेंकना नहीं है उसे बहुत अच्छे से रखना है भाई ये नया आइटम है हमारे स्टोर के लिए तो इसको बहुत अच्छे से यहीं डिस्प्ले कर देते हैं सबसे नीचे ऊपर के आइटम सारे देख ही लेंगे नया आइटम देख के नीचे से भी लोग परचेज़ करेंगे तो भाई ये आ गई हमारी एग्जीक्यूट रे एग्स हमारे पास पहले से बचे हुए थे डिस्प्ले हो गया है फुल भाई यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं फिलहाल हमारे पास जो सामान है ना भाई वो इतना अच्छा हमने फ़िल कर दिया है नए स्टोर के हिसाब से कि कल का दिन बहुत ही ज़्यादा गजब का होने वाला है भाई ये थे हमारे फर्स्ट डे के स्टैट्स हमारे पास अठारह क्लाइंट आए थे सब के सब सेटिस्फाइड थे और अठारह कट्टर खुश हो गए ये है हमारा डे टू और बहुत ही अच्छा दिन निकला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है सब सही धूप निकली और मैंने सीधा आकर स्टोर कर दिया है ओपन और मैंने कुछ नहीं सोचा भाई क्लाइंट आने दो और आते ही भाई ऐसी ताबड़ तो सेल होगी ना आज कि बस पूछो मत मैंने बिल चेक किया भाई बिल की भी नोटिफिकेशन आ रखी है कि सेकेंड डे से बिल लगना स्टार्ट हो जाएगा लैंड लॉर्ड ने देख लिया कि भाई सेल अच्छी हो रही है इसकी तो इसका बिल सेकंड डे से हम स्टार्ट कर देंगे भाई इसने लिए है चार अंडे के पैकेट और एक आटा उसको मैंने बैलेंस दिया चल भाई रवाना हो भाई ये जो अंकल आया ना इसने सबसे आके नीचे वाले पैकेट से इतनी सारी चीज़ें क्यों उठाई मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ तो गड़बड़ है भाई मैंने क्लोज़ कर दिया इसको जो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि इसने इतने सारे पैकेट उठा कैसे लिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पैकेट भाई इसने लिए हैं मुझे अब समझ में आया गड़बड़ क्या है मैंने प्राइस चेंज ही नहीं किया वहाँ पे जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा था मैंने उसी प्राइस पे रखा हुआ है मैंने प्राइस ही चेंज नहीं किया और ये है मेन मुसीबत की जड़ बिकॉज़ भाई प्राइस ना चेंज करने की वजह से मुझे हो गया एक घाटा और वो बंदा मेरे परचेज प्राइस पर ले गया उसे तो ब्रेड मैंने चेक की है ब्रेड बिल्कुल ठीक प्राइस पे है कोई दिक्कत नहीं है जितना प्राइस मार्केट का था मैं उतना ही प्राइस रखूँगा कुछ ऊपर नीचे करने वाला हूँ नहीं मैं उससे एक डॉलर का प्रॉफिट है एक डॉलर का प्रॉफिट चलेगा मुझे टैक्स का प्राइस बिल्कुल ठीक है बढ़ाने की ज़रूरत है नहीं थोड़ा सा बढ़ा देते हैं लेकिन ब्रेड का ठीक है यार और आटे का प्राइस सेवन पॉइंट एट ठीक है चलेगा भाई इसका प्राइस मैंने नहीं बढ़ाया था यार मार्केट प्राइस थ्री पॉइंट नाइन नाइन नहीं है मार्केट प्राइस है सिक्स पॉइंट थ्री एट और मैं थ्री पॉइंट नाइन नाइन पर बेच रहा था जितने भी मैंने ख़रीदा था तो मेरे वो सात पैकेट जो है वो विदाउट प्रॉफिट चले गए अब मैंने फिर से ओपन कर दिया वैसे कि भाई आपको ही आएगा खरीदेगा तो थोड़ा प्रॉफिट देकर जाएगा तो साठ डॉलर की सेल हमारी हो चुकी है और साठ डॉलर के साथ साथ भाई मैं मार्केट में, में रेगुलरली चेक भी कर रहा हूँ कोई बिल वगैरह तो नहीं आया मैं डिले नहीं करूँगा इन चीज़ों तो में यार बिल आएगा इंस्टेंट पे करेंगे टेंशन लेनी नहीं, नहीं है कुछ आई होप आपको गेम पसंद आ रहा होगा क्योंकि ये गेम थोड़ा सा नया है मेरे चैनल के हिसाब से अब तक हम लोग सिर्फ मोड्स करते हैं मिशन करते हैं गोलियाँ चलाते हैं भाई ये है बहुत ही सटल बहुत ही शांत गेम आप टाइम पास करने के लिए ना ऐसा कुछ खेल सकते हो जो आपको दिमाग भी ख़राब ना करे बहुत ही शांति से बंगाल आंटी फिर से सामान लेके गई मैंने दूसरी आंटी को भी दिया और भाई ये आ गई है। हैं ऑफिस वाली आंटी जिन्होंने एग्स ले ली हैं ब्रेड ले ली हैं आज तो ऑमलेट चलेगा भैया इनको दिया मैंने इनका बैलेंस वापस अरे और कोई नहीं आ रहा क्या बंगाल आंटी वापस आ रही हैं क्या देने वाली है हाँ जी आटा आटा रह गया था जी आज बनेगा मछली आटा मछली को आटा खिलाएंगे और फिर मछली को तल देंगे बहुत बढ़िया जी ये आपका बैलेंस पकड़ो अच्छा नौ डॉलर कम है भाई सत्तर हाँ जी डन भाई आपको पैसे तभी देने जब वो जो अमाउंट है ना ग्रीन ग्रीन होना चाहिए ग्रीन लेकिन अमाउंट ज़्यादा दोगे तब भी हो जाता है तो भाई ये आया दो पैकेट और बिलिंग डन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर शॉपिंग अब आई थिंक मुझे बंद कर देना चाहिए यार ये लास्ट होनी चाहिए भाई दो आटे के पैकेट फटाफट मैंने भेज दिए हैं छः बजे का टाइम है बाहर अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है और भाई बंगाल आंटी फिर से यार ये जो अंधेरा ना इसको कुछ करना पड़ेगा मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई ऊपर लाइटों की तरफ ने इंडिकेट कर रहा हूँ लाइटों की तरफ कुछ ऑप्शन है नहीं ऑन करने का कैसे करना है समझ नहीं आ रहा न कैश काउंटर का ऑप्शन है सात बजे का टाइम है और ये बबीता जी फिर से ब्रेड का पैकेट लेते हुए इनको चेंज देना है अंधेरे में भाई चेंज भी नहीं दिखाई दे रहा है पर जो अमाउंट लिखा है वो तो दिख ही रहा है भाई मैंने दुकान को बंद करो बाकी चीज़ें बाद में करेंगे भाई दुकान बंद करते ही ये है ये लास्ट बिलिंग भाई अंडा ब्रेड इन्होंने ख़रीदा है इनको देंगे बैलेंस भाई बैलेंस देने के बाद मुझे भी पता क्या लग रहा है कि कोई ना कोई स्विच होगा यहाँ पे और स्विच ऑन करूँगा तभी कुछ होने वाला है भाई ये रहा बैक ऑफिस का जो हमने छोटा सा पीसी रखा है इसके बगल में यार अरे यार दो दिन हो गए बिना लाइट के काम करते हुए और मुझे अभी पता चला कि स्विच पीछे ही है मार्केट से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं सामान एक सौ बात एक सौ अस्सी डॉलर हमारे पास ऑलमोस्ट हो गए हैं सौ डॉलर से मैंने डे वन स्टार्ट किया था और सेकंड डे के एंड तक हमारे पास एक सौ अस्सी डॉलर हैं ऑलमोस्ट डबल हमने कमा दिया जितना हमने लगाया था तो ये थोड़ा 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 सब ऐड कर लेते हैं ताकि हमारे सारे शेल फुल रहे और कल का दिन और भी ताबड़ तोड़ रहे सेल हमारी होनी चाहिए लेकिन भाई यहाँ तो मार्केट ही बंद हो गई है यार मार्केट बंद होने की वजह से हम कुछ खरीद नहीं सकते जो भी खरीदेंगे कल सुबह और कल सुबह ही डिलीवर होगा स्टोर खुलने से पहले लगा ही देंगे हम लोग थोड़ा अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा तो भाई आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने घर वालों को गर रखो ध्यान और भाई ये गेम प्ले ज़रूर बताना कि कैसा लगा डे टू के एंड तक हमारे पास फोर्टीन कस्टमर आए जिनको हमने सेटिस्फाई करके भेजा और सब कुछ सही था मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय